तो वंदना पोबली जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, आज प्रधानमंत्री पहुंचे अंबाला में, उन्होंने जन संबोधन भी दिया है और विजय संकल्प रैली के दौरान बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। विपक्ष पर तो कड़ा प्रहार उन्होंने कहा है, कितना बल मिलेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से आईना दिखाने का काम किया है। जिस प्रकार उन्होंने धाकड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने सरकार को भी कहा कि धाकड़ सरकार है, क्योंकि हरियाणा से जुड़े की बात कही कि हरियाणा के लोग धाकड़ होते हैं, तो सरकार भी जो है वो धाकड़ रही है। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री भी धाकड़ है और हमारे मुख्यमंत्री भी धाकड़ है, और जितने भी परसेप्शन बार बार जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए थे उनको तोड़ने का काम किया है। आज जो केंद्र में है, कहीं ना कहीं ये बात रही कि जो किसान है जिनको लेकर बार बार एक परसेप्शन बना लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसको तोड़ने का काम किया, ये बताने की भी उन्होंने पूरी यहाँ पर अपना जो चीजें की हैं क्लियर की हैं कि जो कांग्रेस है उनके समय में काम जो किसानों के अपने आप को बोलते कि हम एक देशी हैं, तो उसके उनके समय में किसानों का कितना बुरा हाल होता था, और आज किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है, लगातार उनके लिए काम कर रही है। तो सिर्फ शोर मचाने से कि किसान विरोधी सरकार है तो ऐसे विरोधी सरकार हो नहीं जाएगी, सबको मालूम है कि किसानों के पक्ष में काम किया है। वही बात महिलाओं को लेकर भी कही और वही बात सैनिकों के लेकर बात कही, तो मैं ये मानती हूँ कि आज कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने ये भी बताने का बहुत क्लियरली यहाँ पर बताया है कि जो कांग्रेस पार्टी है या जो बाकी विपक्ष है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। आप देखेंगे किस प्रकार से चार चरणों की उन्होंने बात की, तो चार चरणों में भी हम जो है मेजोरिटी ले चुके हैं और अब तो 400 पार की बारी हो रही है। जनता का प्यार लगातार मोदी जी को मिल रहा है और वही प्यार जो है उसी प्यार के दम पर मोदी जी बड़े एक्शन ले पा रहे हैं। उन बड़े एक्शन का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक धाकड़ सरकार ही बड़ा एक्शन ले सकती है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे पर अटैक करने की कोशिश करते थे उनको जवाब देने का काम भी जो है वो एक धाकड़ सरकार ने किया है। तो हरियाणा के लोग धाकड़ अच्छे से समझते हैं इस बात को, पहले भी 10 की 10 सीटें जिताकर भेजा था और अब भी उसका जवाब वो 10 की 10 सीटें जिताकर। लेकिन वंदना जी, बार बार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया गया, किसानों के साथ अन्याय किया गया, हालांकि प्रधानमंत्री भले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जब एक कानूनों की बात होती है कि 3 कानून लाए गए, उनको समझे बगैर एक परसेप्शन बनाया गया, और फिर उसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, बार बार कहा जाता है कि 750 किसान शहीद हो गए, एक गोली नहीं चली है। 26 जनवरी में पूरे भारत ने देखा था कि दिल्ली में क्या उपद्रव हुआ था और किसानों के नाम पर जो उपद्रव किया गया था उसमें एक भी पुलिस वाले ने अपना हाथ तक नहीं हिलाया था, वो स्थिति हमने देखी थी। तो इनके जो पीछे जो इरादे थे उनको नाकाम करने का हमने काम किया है और किसानों के पक्ष में हम सदा खड़े रहे। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, मैं आज थोड़ा सा हैरान भी थी जब मैंने आज सुना आम आदमी पार्टी के जो सौरभ जी हैं वो कह रहे थे कि देखिए जो स्वाति मालीवाल है वो किस प्रकार से कर रही हैं, और स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं अपना फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्वाति मालीवाल में इनको बेटी नहीं दिखाई देती, वहां इनको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वीडियो रिलीज हो रही है। और वहीं पर जब यहाँ पर खिलाड़ियों की बात होती है तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि जो आरोप लगाए गए वो कब के थे, किस समय के थे, लेकिन फिर भी हम खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे। हमने कमेटी बनाई, हमारे जो मंत्री हैं उनसे लगातार मिलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति भी दिखाई दी कुछ लोगों की उसके पीछे, खिलाड़ियों को आगे करके उन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी और हम लगातार खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे। दो कमेटी बनाना, उनकी बात को सुनना, और 14 साल पुराना केस जब सामने आता है तो चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ ठीक है। इस पर कांग्रेस से भी जवाब लेंगे। वंदना जी बने रहेगा हमारे साथ, और केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इसके अलावा हरियाणा न्यूज के एडिटर ज्योति सांगवान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से इस वक्त मेरी सहयोगी। ज्योति, मैं सबसे पहले आपके पास भी आना चाहूंगी, आपने भी भाषण सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, युवाओं और किसानों तक ये भाषण ज्यादा केंद्रित रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की लेकिन ज्यादा जोर उन्होंने किसानों और युवाओं पर दिया है, कितना क्या बल इससे पार्टी को मिलेगा, कितना मास्टर स्ट्रोक आप इस भाषण को कहेंगे, विजय संकल्प रैली रही है बीजेपी की?
बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय पीएम का ही पहला दौरा हरियाणा का इस बार के चुनाव को लेकर अंबाला को चुना गया है। जीटी रोड बेल्ट को साधने का प्रयास हो रहा है, इसके बाद गोहाना में यानी सोनीपत में भी उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मुख्य तौर पर जो 5 सीटें हैं जीटी रोड बेल्ट है, जहां पिछली बार भी लोकसभा तो सभी जीती ही थी, विधानसभा के नाते भी बीजेपी मजबूत रही थी, तो इन्हें साधने का प्रयास हो रहा है। हरियाणा को धाकड़ कहा गया है क्योंकि हरियाणा जवानों की भूमि है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है सेना में। इस नाते सैनिकों की बात की गई है, पुरुष सैनिकों की, ओआरओपी की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, और कांग्रेस के घोटाले जो सेना से जुड़े घोटाले थे उनको याद दिलाया गया है, एनडी गठबंधन पर निशाना साधा गया है। आप भी मानकर चलिए कि लगभग हर मुद्दा कवर किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी जवानों से जुड़ते हुए, सेना से जुड़ते हुए जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर रहे थे, वो 370 की भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान अब डरता है, भीख का कटोरा पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, 100 बार दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाने से पहले सोचता है। तो तमाम मुद्दों को कवर किया गया है, जिसमें सीए का भी जिक्र किया गया है कि कांग्रेस कहते हैं हम सत्ता में आए तो इसे खत्म कर देंगे, मंदिरों पर हमला बोला जाता है ये भी कहा गया है। तो हरियाणा की तारीफ की गई है, हरियाणा से पुराना नाता है ये कहा गया है, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए 24x7 2047 तक वो काम करने वाले हैं इस विजन के लिए, उसमें हरियाणा का बड़ा हिस्सा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो लगभग हर एक मुद्दे को कवर करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील सीधे अंबाला की धरती से पीएम की ओर से की गई है। ठीक है, ज्योति बने रहेगा हमारे साथ, केवल ढिंगरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आए, कहीं ना कहीं उन्होंने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर तो जमकर प्रहार किया है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? वो तो ये कहते हुए नजर आए कि किसानों के को आप लोगों ने ठगा है, सैनिकों की आप सुध नहीं लेते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया गठबंधन है, ठीक है, चलो आप जो मर्जी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मोदी जी ने भाषण दिया, ठीक है, केवल जी पढ़िएगा, आप भी, आपके भी बहुत सारे जो कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता हैं वो इंडी गठबंधन ही कहते हैं, सुन लीजिएगा, उसके बाद ठीक है, इस पर ये चर्चा का विषय नहीं है फिलहाल, जो मैंने सवाल पूछा उस पर आप जवाब दीजिए। मैं भी फिर दोबारा वही जवाब का सवाल करूंगा, क्योंकि अब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस उसको इंग्लिश में कह सकते हैं, इंडिया इंडिया गठबंधन है, ठीक है। चलो दूसरी बात, आप दोबारा आता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो मोदी जी ने आज भाषण दिया, ठीक है, भाषण तो रोज मोदी जी दे रहे हैं, कभी हमारे जो है महिलाओं के मंगलसूत्र पे भी दे रहे हैं, कभी भैंसा पे भी दे रहे हैं, कई तरह के दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो भाषण दिया, जो हम बात कर रहे थे किसानों की, आप ये देखिए किसानों के जो 3 काले कानून थे, वो कानून जो थे वो जो किसान है उनकी जमीन हड़पने के कानून थे। आप एक जमीन के ऊपर लोन ले सकते हैं, और अगर आप जिस आदमी ने उसको जमीन को किराए पे ले लिया, पहला कानून ये था कि उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं, और दूसरा कानून ये था कि आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सिर्फ एसडीएम और डीसी के पास जा सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है। मतलब इस तरह के कानून बनाएंगे, अगर आप जमीनें हड़पनों का कानून बनाएंगे तो लोग किसान सड़कों पे नहीं आएंगे क्या? चलिए, लेकिन आम जनता तो सुनने के लिए बैठी थी वहां पे केवल जी, अभी तो आप जो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं वो तो स्वाति मालीवाल केस में फंसा हुआ है आपका इंडिया गठबंधन में, उसके तो दिग्गज अभी तक नजर नहीं आ रहे हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा रहा, बड़ी भीड़ थी वहां पर, आप मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल, मैं किसानों पे बात कर रहा, मैं जो मोदी जी ने बात करी मैं किसानों पे बात कर रहा था, भीड़ थी नहीं थी मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा मैम, आप उसके बाद आपकी बात पे भी आ जाऊंगा ना, पहले मेरी सुन तो लीजिए, जो किसानों पे मोदी जी ने बोला उसी का रिएक्शन दे रहा हूँ। वो रिएक्शन ये है कि जमीनें हड़पने का जो कानून मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए थे, उसी का रिएक्शन था कि एक साल भर तक सड़कों पर किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, क्या किसी किसान को मोदी जी ने मरहम लगाने के लिए गए कहीं पे? नहीं गए। आपको फिर बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा फौज को अग्निवीर बनाया, फौज को अग्निवीर बनाया ना, फौज के ऊपर बात कर रहे थे। जब एक आदमी 4 साल के लिए फौज में भर्ती हो जाता है, उसके बाद वो क्या करेगा? फौज के बाद बाहर आने के बाद 18 साल का बंदा भर्ती हो गया, वो फौज में चला गया, 22 साल में वो घर आ गया, उसको आपने प्रशिक्षण दिया कि आप गोली चलाएंगे, आप बॉर्डर पे रहेंगे, देश की रक्षा करेंगे, 22 साल की उम्र में जब वो घर वापिस आ जाएगा, उसके बाद ना उसकी पेंशन होगी, ना उसके साथ कोई उसका जो कोई शहीद का दर्जा होगा अगर उसकी कहीं शहादत हो जाती है, वंदना जी जवाब देना चाह रही है इस पर, फैमिली क्या करेगी?
सुनिए ना मेरी बात, मुझे मुझे लगता है कि उसकी फैमिली क्या करेगी, बार बार क्या करेंगे, बार बार यही कह रहे हैं। आप तीसरी बात आइए, अभी भी मतलब तीन गुना ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। नहीं मेरी बात है, मुझे उन्होंने बोल दिया कहने के लिए, तीन गुना ज्यादा लोगों का अगर रिक्रूटमेंट होता है और उसके बाद एक बच्चा बारहवीं के बाद अगर जाता है इंडिया का टेस्ट क्लियर करके, और टेस्ट क्लियर करने के बाद जब वो अगर तीन साल के बाद वो कंटिन्यू नहीं रहता तो उसके पास एक अच्छी खासी सैलरी होगी, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और उसके आगे पूरी लाइफ होगी। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जितने भी होम गार्ड है या बाकी जो भी जॉब्स है उसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको रखा जाएगा। कोई भी जो बच्चा है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तीन गुना हम अगर अपनी फोर्स बढ़ाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे तीन गुना ज्यादा, हमारे बच्चे जो है वो ज्यादा स्किल्ड हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे बच्चे तैयार रहे, तो उसमें आपको इतना क्यों है वो समझ नहीं आता। आप क्यों कह रहे हैं कि तीन साल बाद निकाल दिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम 10 बच्चों को अपॉइंट करते थे, हम कह रहे हैं कि हम 30 को अपॉइंट करेंगे लेकिन 10 ही आगे रहेंगे, तो 10 तो वहीं पर ही है ना। हम तो 20 को और उस समय के लिए और आगे जो है उनको सैलरी भी दे रहे हैं, आगे के लिए स्किल भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, आगे जॉब भी दे रहे हैं, लेकिन ये बार बार परसेप्शन बनाने की बात है। जमीन हड़पने की बात आप कर रहे थे, मुझे इतना बता दीजिए जीजा जी को कौन सी जमीन दी थी, वो कौन से लोग थे जिनकी जमीन आपने जीजा जी को पकड़ाई थी? तब आपको याद नहीं है जमीन हड़पना क्या होता है? जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो लोग जुड़े रहे वो कहते थे हमें तो खुद बेच दिया, हमें कुछ नहीं मिला, तब वो जमीन नहीं थी क्या? मुझे लगता है इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अब वो समय खत्म हो गया। एक सुदूर प्रांत में भी दूसरे कोने में भी गाँव में जो व्यक्ति बैठा है वो सब चीजों को समझता है। हम जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं उसको धराशाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा और आज मोदी जी ने उसको दोबारा से मोहर लगा दिया है कि आप बार बार परसेप्शन बनाते हैं, उसके अलावा आपको और कोई काम नहीं है, आप कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। देखिए जी भारतीय जनता पार्टी यह कर देगी, लेकिन जब आरक्षण खत्म कर देते हैं, मुस्लिम आरक्षण दे देते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर जाति का जो आरक्षण है उसको खत्म कर देते हैं, तब आपके पास जवाब नहीं होता। आप उन्हें कहते हैं कि संविधान बदलने की बात, संविधान तो आपने बदला है और बार-बार बदला है, 90 बार चुनी हुई सरकारें आपने गिराई। ठीक है, ठीक है, बंदर जी बने रहेगा हमारे साथ। एग्जाम्पल भी हमने देखा आपको किस तरह से आरक्षण खत्म किया और हमारे लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने गिनाई है, जैसे महिलाएं अब ड्रोन उड़ाना सीख रही है, क्या ये तारीफ वाली योजना नहीं है? ठीक है, केवल जी के पास मैं आऊंगी, ज्योति के पास एक बार फिर से चलते हैं। ज्योति देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, अगर हम कंपेयर करें कांग्रेस और बीजेपी को, जैसा कि आप अपने अभी केवल जी को भी सुना, वंदना जी को भी सुना, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए एक तरह से अगर हम कांग्रेस के प्रचार की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेच हैं जो इनके साथ फंसे हुए हैं अभी, यानी कि स्वाति मालीवाल केस हो गया, वहीं कांग्रेस में जब टिकट का बंटवारा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं काफी लेट लिस्ट आई, उसके बाद भी कई तरह की स्थिति देखने को मिली, तो अभी तक जो प्रचार है वो चरम पर नजर नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए स्टार प्रचारकों के नाते कहें तो हम कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस थोड़ा पीछे है, और शुरुआत क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले ही लिस्ट करी, 1.5 महीने पहले कांग्रेस से लिस्ट जारी कर दी गई थी, तो उस नाते आगे नजर आ रही थी। सभी हलकों में विजय संकल्प रैलियां हो गई हैं, पीएम आ गए हैं, यूपी के सीएम योगी आएंगे, जो भी स्टार प्रचारक है बीजेपी के, जो भी फायर ब्रांड नेता है वो हरियाणा का रुख करने वाले हैं। हालांकि लिस्ट की जहां तक बात की तो कांग्रेस ने खूब होमवर्क किया है पिछली बार के मुकाबले, उससे पिछली बार के मुकाबले भी कहें तो काफी तमाम फैक्टर्स पर काम करते हुए मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ज्यादा सीटों पर, सभी पर नहीं ज्यादातर सीटों पर। प्रचार की जहां तक बात करें, हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं, गुटबाजी हालांकि थोड़ी नजर जरूर आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस टक्कर बीजेपी को कड़ी दे रही है ज्यादातर सीटों पर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूती से टक्कर देने का काम कर रहे हैं, यानी पिछली बार जो लाखों का मार्जिन लगभग हर सीट पर रहा था, देश भर की जो टॉप 3 जीत थी उनमें हरियाणा की 2 सीटें शामिल थी, तो इस बार ऐसा तो नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा अंतर रहने वाला है। बहादुर करनाल की बहुत बड़ी जीत बीजेपी की थी, सभी 10 सीटों पर जीते थे, तो इस बार इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप नजर नहीं आ रहा। हालांकि पीएम के आने से क्या असर होगा, मोदी का कितना करिश्मा अभी बाकी है, कितना मैजिक हरियाणा में कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि 2014 में भी पीएम मोदी के वेव के सहारे 2019 में विरोधी ये कहते हैं पुलवामा अटैक का असर था कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 सीटें जीती। कोई भी पार्टी इस प्रदर्शन को हरियाणा में रिपीट नहीं कर पाई है कि एक बार 10 सीटें जीतकर अगली बार या कभी भी उनको रिपीट किया हो। बीजेपी दावा कर रही है, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, मुकाबला दोनों ही पार्टियों में कई सीटों पर कड़ा नजर आ रहा है। पीएम के आने से कितना माहौल बदलेगा और क्या तोड़ कांग्रेस की ओर से निकाला जाएगा, कब गांधी परिवार या राहुल गांधी हरियाणा का रुख करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल ठीक है, ज्योति बने रहेगा हमारे साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं पहले। 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। मोदी जी को जम। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे। उससे पहले वंदना जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। वंदना जी, देखिए एक तरह से यहां पर दावे जैसे किए जा रहे थे, ज्योति भी अभी कहते हुए नजर आ रही थी कि यहां पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी, कुछ कुछ सीटों पर कांग्रेस जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए मुझे लगता है कि 2019 की मुझे बात याद है, जब इलेक्शन से तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है, उस समय भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि देखिए 5 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है, 5 भाजपा जीत रही है। हमारा तब भी विश्वास था कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और वो हमने करके दिखाया। ये जो प्यार है जनता का वो मोदी जी के लिए। अभी यहाँ पर बात हो रही थी प्रचार को लेकर, ज्योति ने भी कुछ कमेंट किए, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि देखिये प्रचार करना, स्टार प्रचारक आना तो अलग बात है। फिलहाल जिस तरह के लेटर जारी किए जा रहे हैं, दीपक बावरिया जी लेटर जारी करके कहते हैं कि अगर विधानसभा की टिकट चाहिए तो लोकसभा में मदद करनी पड़ेगी। मतलब बकावड़ा धमकाया जा रहा है, तब तो ये उतरेंगे नहीं, तो उतरने के कहीं पे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अगर इनको जब तक धमकाएंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। और हमें मालूम है कि किस प्रकार से इनके नेता बयान देते रहे हैं। हुड्डा जी ने एक एक करके जितने भी इनके बड़े लीडर्स थे उनको साइडलाइन कर दिया, उनको निपटा दिया है, और अब वो हुड्डा जी को निपटाने में जो है लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जनता जो है कांग्रेस को निपटाने वाली है। और यहाँ पर ये जब आप बात करते हैं इंडी गठबंधन की, तो ये गठबंधन जो घोटाले की डिफेंस डील है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, आपने सुना होगा कि दिल्ली में और पंजाब में, माफ कीजिएगा, दिल्ली और हरियाणा में तो झाड़ू लेकर कांग्रेस वाले घूम रहे हैं, लेकिन पंजाब में जाकर झाड़ू वाले कुछ और बोलते हैं। तो ये यहीं पर दिखाई दे जाता है कि कहीं ना कहीं अपने घोटालों को बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए आपस में इन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन आपस में जो है कहीं पर भी कोई बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। कभी एक ही कांग्रेस का कह दिया जाता है, कभी कुछ और कह दिया जाता है। स्वाति मालीवाल के केस में भी जो कांग्रेस है उसने पलटवार किया था केजरीवाल जी पर, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि एक बड़ी शक्ति को रोकना चाहते हैं, कि भारत एक बड़ी शक्ति ना बने उसको वो रोकना चाहते हैं, जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से आज भारत का दर्जा बढ़ा है, जिस प्रकार आज जो हमारे पड़ोसी देश है हमसे डरते हैं, हम पर अटैक करते हुए, उसी प्रकार जितने भी बाकी, लेकिन बंदा जी ऐसा है क्या कि जो तमाम प्रत्याशी हैं, जी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं क्या मोदी फैक्टर पर ही डिपेंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी हमारे लीडर हैं और मोदी जी की गाइडेंस में जिस प्रकार से देश में काम हो रहा है वो हम सब जानते हैं। लेकिन जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो जितने भी हमारे एमपी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। पूरे हरियाणा में बहुत अच्छे ढंग से काम हुए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप रेल नेटवर्क की बात कर लीजिए, या हाईवेज बनने की बात कर लीजिए, तो सारे काम जो है पूरे हरियाणा में बहुत अच्छे ढंग से हुए हैं। डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देती है और ये प्रत्याशियों का भी काम किया हुआ साथ में है। तो ये हमारी पार्टी एक संगठित पार्टी है और सबसे चलिए, लेकिन जैसे हरियाणा न्यूज की टीम अभी ग्राउंड जीरो पर भी, आपने कुछ प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो लोगों का उसमें कहना ये भी है कि जब फसल की खरीदी हुई तो किसानों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, तो जमीनी स्तर पर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसकी वजह से किसान परेशान हुए हैं पिछले दिनों। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, हरियाणा की भी मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट ही हो जाता है, लेकिन हमने उसको परफेक्ट करने की
लगातार कोशिश की है। मुझे वो समय याद है कि जब कांग्रेस के समय में दो दो दिन तीन तीन दिन तक किसान अपनी ट्रॉली लेकर खड़े रहते थे और उनकी फसल नहीं बिकती थी। अभी प्रधानमंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना इनका लाखों करोड़ों का किसानों का बकाया कितने सालों का था, वो जो आकर हमने क्लियर किया है और सीधा अकाउंट में पैसा आता है। तो उसके बावजूद अगर छोटी मोटी अगर कहीं पर ऐसा आती है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं कि एक हरियाणा एक बड़ा एरिया है, कुछ लोगों की मिस्टेक हो सकती है, उसको सुधारने का काम हम करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जब हम किसानों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, पहले की तरह नहीं कि लगे रहो जी बाहर बैठ के ट्रॉली लेकर बैठते रहो, इंतजार करते रहो, धूप है बारिश है जो भी, अपनी फसल बचाते रहो, देखो कि बिकेगी और उसका पैसा कब मिलेगा, एक साल में मिलेगा, दो साल में मिलेगा। तो वो हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और उस डायरेक्शन में हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं, जनता इसको स्वीकार भी कर रही है। जैसे अग्निवीर को लेकर कई बार विपक्ष सवाल उठाता है, अग्निवीर को लेकर राव साहब का भी पिछले दिनों बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इस पर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, तो क्या पार्टी ने कभी इस पर सर्वे कराने की कोशिश की, लोगों की इस पर क्या राय है अग्निवीर को लेकर, क्या लोग खुश हैं इससे? देखिए जहां तक सर्वे करने की बात है, मैं इतना जानती हूँ राष्ट्रीय इस चीज को समझिए कि जिस प्रकार से परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, फिर से इलेक्शन नहीं होंगे, कहाँ पर लिखा है ये भाई? तो इसी तरह के कुछ परसेप्शन जो है अग्निवीर योजना को भी लेकर बनाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, हम तीन गुना ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो रोड़ा बन रहे हैं वो कितना देश के प्रति प्रेम रखते हैं, कितना देश के बारे में सोचते हैं, वो हमारे को समझ आता है। जिनकी सभाओं में खालिस्तानी जो नारे हैं वो लगते हैं और ऐसे लोग जो जो खालिस्तानी सपोर्ट पर चलते हैं, जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादी आरोप लगाते हैं, तो वो दिखता है कि देश के प्रति कौन सोच रहा है। तो ये परसेप्शन बनाने की बात, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था मोदी जी का, वो बहुत क्लियरली कह रहे थे कि जो कांग्रेस है या राहुल गांधी है वो कोशिश करते हैं कि जो नेहरू पे आरोप लगे हैं वो मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। राफेल को उन्होंने बोफोर्स से उन्होंने खड़ा, अडानी अंबानी को टाटा बिरला से उन्होंने कहा कि जैसे उन पे टाटा बिरला के आरोप लगते थे ऐसे ही अडानी अंबानी से आरोप से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधीर रंजन क्या कहते हैं कि अगर अडानी अंबानी हमारे को पैसे देते रहते तो हम उन पे आरोप नहीं लगाते। तो ये विचारधारा दिखाई दे जाती है कि इनके लिए देश कहाँ पर है, उनका तो मतलब एक ही है, पैसे से मतलब है और उनका और किसी से मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, ठीक है, तगे डूबे हुए, जब जिनके टॉप लीडर जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और हमारे टॉप लीडर्स पे कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो वहां पर एक अंतर दिखाई देता है। इस पर अब कांग्रेस पर आपने आरोप तो लगाए हैं, जब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रवक्ता जुड़ जाए तो जरूर उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ निर्णय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे पास जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि चार चरण के मतदान तो हो गए, इंडिया अलायंस चारों खाने चित है, इंडिया अलायंस पर उन्होंने निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? राजश्री जी नमस्कार जी, जिस तरह से बहन जी बात कर रही थी, हाँ, मैं तो कुछ सवाल पूछ के तुम बात समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से 2013-14 में भाजपा पार्टी ने कहा था महंगाई के विषय में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार हुआ क्या, घरेलू गैस तीन गुना, पेट्रोल डीजल 100 के पार, बेरोजगारी के विषय में कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, हुआ क्या, अग्निवीर के माध्यम से जो 70-80 हजार का रोजगार इस देश के मजदूर और किसान के बच्चे को मिलता था वो भी 10 हजार पे समेट दिया। कृषि की बड़ी बात करते थे, रेवाड़ी में कहा था माननीय मोदी जी ने कि हम C2+50 में जो स्वामीनाथन कमेटी की जो अनुशंसा है उसका पूरा करेंगे पहले कलम से। आज मैं पूछना चाहता हूँ वो पहले कलम टूट गई या पूंजीपतियों को गिरवी कर दी? इसके अलावा कहा यह गया था कि 2016 में 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर देंगे। मुझे बहुत दुख होता है, आज 2024 चल रहा है, आज तक उस वायदे पे नीलबटे सन्नाटा और इसके विरोध में जिस तरह से 3 काले कानून माननीय मोदी जी लाए और 13 महीने के बाद जिस प्रकार से 750 किसानों की शहादत हुई और उसके बाद जो मोदी जी ने किसानों से वायदा किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे,
आज तक निलवट समझता, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आज भी जो किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आज सुखबीर जी कर रहे हैं, हाँ समय की थोड़ी कमी रहेगी इसलिए आप बहुत सारे सवाल आपके हो गए ऑलरेडी, ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए सर। ये गलत बात है, मैंने सर आपने तीन चार सवाल तो दाग दिए, बन्ना जी जवाब देंगे इस पर, मेरा जो सवाल था उस पर भी जवाब दे दीजिए। डोंट बी बायस वाली तो बात ही नहीं है सर इसमें, आपने तीन चार सवाल तो पूछ लिए, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। और सुनिए, विफल नोटबंदी और 99.4% जो मुद्रा थी जिसको प्रतिबंधित किया था वो चली गई, और डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए की स्थिति क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या चारों खाने चित हो गए इंडिया अलायंस के, प्रधानमंत्री मोदी कह के गए आज हरियाणा में, और सुनिए, और 2022 तक हर परिवार, क्या चारों खाने चित हो गए इंडिया अलायंस के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर गए हैं। प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बौखला गए हैं। अरे इन्होंने ये कहा था देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर, इस देश के सारे के सारे इंतजार तो है इंडिया लाइन्स के दिग्गज कब पहुंचेंगे हरियाणा, उन्होंने दिन भी गिना दिए। देखिए दिन गिनाने का कोई विषय नहीं है, मैं आज बहुत मजबूती के साथ, और जो हरियाणा प्रदेश का माहौल है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका विरोध जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है उससे कोई विषय नहीं बचता। अब की बार जिस तरह का विरोध है उसके दृष्टिगत इंडिया अलायंस 10 की 10 सीटें जीत रहा है, 25 मई भारतीय जनता पार्टी गई। ठीक है सुखबीर जी बने रहेगा, विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व की सरकारों ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। हरिपुरों की जो सरकारें थी, चौधरी ओम प्रकाश चौधरी जी की जो सरकार थी और उसकी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहने का काम किया था, ये मूल की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह कहा था, यदि किसी सरकार का मैनेजमेंट, सरकार का संचालन यदि आपने सीखना है तो चौधरी ओम प्रकाश चौधरी जी से सीखने का काम करे। वित्त प्रबंधन का काम यदि किसी से सीखना है तो चौधरी ओम प्रकाश चौधरी से सीखना का काम करे, और संगठन का काम किसी से सीखना है तो वो चौधरी ओम प्रकाश के ताला से सबसे बढ़िया सिखा सकते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासन काल के बाद के इतिहास में पहली बार शायद किसी से इसका हुआ होगा कि कोई सरकार खजाने में कैद छोड़ कर भी गई थी, 8,000 के लगभग कैद छोड़ कर के चौधरी ओम प्रकाश के ताला से सरकार भी गई थी। उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने खूब लूट मचाने का काम किया, कांग्रेस का इतिहास सबके सामने जिस प्रकार से लूटने का काम किया, और आज की सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस वो बिल्कुल अपने चरम के ऊपर गया हुआ है। काफी सारी बातें हमारे अभियान तंवर जी ने कही, उन सभी बातों का मैं समर्थन करते हुए आगे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहन अभी अग्निवीर के बारे में बात कर रही थी, तो अग्निवीर तो इतिहास में सबसे गलत योजना ये लेकर के आए हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो 4 साल के लिए भर्ती होकर के देश प्रेमी हो जाएगा? अरे भाई उसको सिक्योरिटी नहीं, उसके लाइफ को सुरक्षा नहीं, उसके परिवार को सुरक्षा नहीं, ये सबसे घटिया और बिल्कुल बहुत ही हल्के स्तर की योजना लेकर के हैं जिसका विरोध भी होता, लेकिन इसके बावजूद तो बिल्कुल विजेंद्र जी, सुखबीर जी इस पर मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने वंदना जी से भी पूछा था कि आप लोगों ने आम जनता से कभी बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ रिएक्शन है इस पर, अगर कुछ रिएक्शन मिलते हैं तो उसकी वीडियो जरूर रिलीज करें, देखना चाहेंगे बिल्कुल कि आम जनता इससे खुश है कि नाखुश है। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खैर ये भाषण रहा, उन्होंने सैनिकों को लेकर बात की, किसानों को लेकर बात की, अब 25 तारीख वोटिंग का दिन है, जनता तय करेगी किसे वोट देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बाला पहुंचे, हरियाणा के दौरे पर रहे, हरियाणा की तारीफ उन्होंने की है, इस दौरान विपक्ष पर सीधा प्रहार किया है। खैर इंतजार 25 मई का है, जनता तय करेगी किसे वोट देना है किसे नहीं।